गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसजीओआई। सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 7, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इन दैट चैप्टर वी वर डूइंग एक्सरसाइज 7B एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 5। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसके भी दो पार्ट्स आपको बताऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स आप अपने आप से ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग पार्ट नंबर 1st एंड पार्ट नंबर 5th। ठीक है, पार्ट नंबर 1st, इट इज सेइंग फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 36 एंड 12 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग लेट कर लेंगे, कितना एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड प्रोपोर्शन है तो अब हो जाएगा 36, 12 और थर्ड प्रोपोर्शन एक्स आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर हम लोग किसी भी तीन चीजों को कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बात करते हैं तो मिडिल टर्म को दो बार रिपीट करते हैं। ठीक है, so you will have to repeat this middle term 2 times in order to write these number into the continued proportion. so it will give us 36 ratio 12 proportional to 12 ratio x. okay, now we know that if the numbers are in proportion, so they will be following the rule, that is product of extremes is equal to product of means. Product of extremes is equal to product of means. Extremes क्या है, दे हैं 36 multiply by x is equal to 12 multiply by 12, क्योंकि ये क्या है, means है, वो extremes है। तो 36x is equal to 12 into 12, x is equal to 12 into 12 upon 36, 12 into 12, 12 3 36, 3 3 and 3 4 12. so from here we have got the answer, that is x is equal to 4. so from this we can say that the third proportion to 36 and 12 will be 4. okay, chaliye let's move further to question number 6, sixth part. theek hai, sixth part hum dekhenge. sixth part to easy hai, aap kar sakte ho apne aap se na, to main part number 5 bata deta hu. in part number 5 it is given 1 kg 250 gram, comma 500 gram. ठीक है, so ये भी किसकी है, मास की यूनिट है, ये भी मास की यूनिट है, तो हम लोग इसमें प्रोपोर्शनलिटी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको केजी को ग्राम में चेंज करके पूरे को ग्राम में चेंज कर देंगे, तो हमें पता है, वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams, therefore 1 kg 250 grams कितना हो जाएगा, this will be 1000 gram plus 250 gram, that is equal to 1250 grams. ठीक है, जिसको लिख सकते हो आप चेंज करके 1250 grams। अब लेट कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन कितना x, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन is equal to x. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250, 500, x. ठीक है, मैंने पहले बताया आपको कि मिडिल टर्म को दो टाइम लिखते हैं, तो दिस विल गिव अस 1250 ratio 500 प्रोपोर्शनल टू 500 ratio x. ठीक है, नाउ वी ऑल नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ means. ठीक है, so you will not be writing this in short form, you will be writing this product of extremes and product of means completely, है ना, पूरा पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, so this will give us product of extremes and product of means. extremes में क्या क्या है, 1250 into x is equal to 500 into 500, x कितना हो जाएगा 500 into 500 upon 1250. ठीक है,
सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 5 जब 125 है, 25 2 जा 50, 5 1 जा 500 सा, तो 100 into 2 x स्क्वायर कितनी आ जाएगी 200। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 1 kg टू 50 grams एंड 500 grams इज 200 एंड 200 grams, ठीक है। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 200 grams हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज सेइंग शो दैट 636 एंड 216 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैंने पहले बताया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को दो बार लिख के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करना पड़ेगा। सो नंबर्स आर 636 एंड 216। तो लिखेंगे इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन 6:36 प्रोपोर्शनल होगा 36:216 के, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज 6 × 216 should be equal to product of extreme that is 36 × 36, ठीक है। या तो आप दोनों का प्रोडक्ट करो, यहाँ प्रोडक्ट करो, यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप तो रिड्यूस कर दो, 6 × 6 = 36 इधर भी 36 इधर भी 36 देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग इफ 8 पेंस कॉस्ट ₹356 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 पेंस, ठीक है। तो इसको आप किससे कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ पेंस, रेशियो ऑफ पेंस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस। जो पेंस का रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। पेंस का रेशियो कितना दिया है, 8:14, क्योंकि पहले 8 पेन है और बाद में 14 पेन है। प्राइस का रेशियो क्या गिवन है, पहले 356 प्राइस है 8 का, तो 356 जिसका पूछ रहा है उसको हम लोग लेट कर लेंगे x, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज 8 × x इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट 14 × 356। सो x विल बी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 356 अपॉन 8, 8 वन जा 8, ठीक है, 8 वन जा 8 डिवाइड होता है 4 से करते हैं, 4 टू जा 8, this will be 4 × 32 कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसको 2 से करते हैं, 2 × 2 एंड 2 × 7 = 14, तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 89 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 × 9 = 63, 3 carry 6, 8 × 7 = 56 प्लस 6 = 62, सो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 623 रुपीस। मतलब कि 14 पेंस का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 623 रुपीस होगा, ठीक है। सो आई थिंक कि आप क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ गए हैं, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी एकदम सेम ही है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता दे रहा हूं बिकॉज देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 12, एंड व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा टर्म, that extra term is one day. Question is saying if 15 men can dig a trench 35 meter long in one day, then how many men can dig a similar trench 84 meter long in one day? ठीक है, so इधर भी one day की बात हो रही है और on the other side one day की ही बात हो रही है, तो one day का कोई effect नहीं है question में, ठीक है, तो one day आप remove भी कर दोगे तो कोई changes नहीं आएंगे। Now, तो क्या लिखोगे आप, रेशियो ऑफ मेन शुड बी इक्वल टू
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेंच, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेंच। एक तरफ रेशियो ऑफ मेन लिखेंगे और दूसरी तरफ रेशियो, 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर, दूसरी तरफ विल बी राइटिंग रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेंच। तो मेन का रेशियो फर्स्ट तरफ 15 और बाद में मेन कितने हो गए हैं नहीं पता, तो x 15 मेन कितने मीटर ट्रेंच डिग करते हैं, 35 मीटर लॉन्ग रेशियो, x लोग कितना करेंगे 84 मीटर लॉन्ग। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो x मल्टीप्लाई बाय 35 शुड बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 84, तो x विल गिव अस 15 मल्टीप्लाई बाय 84 अपॉन 35। वी कैन डिवाइड 35 एंड 84 बाय 7, सो 36 men can dig a trench 84 meter long, ठीक है? So this is the completion of your chapter number 7, that is ratio and proportion. In the next class we will be starting new chapter, that is unitary method. Thank you.